तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक बेहतरीन टीवी। दोस्तों इस टीवी में कोई भी डिश एंटीना नहीं लगता, साथ ही साथ दोस्तों बिना सेटअप बॉक्स के ये टीवी चलती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें इंटरनेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें बिजली की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कहीं से भी कोई भी वायर इस टीवी में नहीं लगा हुआ है और ये टीवी हमारे पास चल रही है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप लोगों को यहाँ पे चैनल्स भी बदल के दिखाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चैनल्स मैंने बदला, दूसरा चैनल चलने लगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगला चैनल भी चलने लगा। अब दोस्तों इस वीडियो में करेंगे इस टीवी की अनबॉक्सिंग और बताएंगे दोस्तों ये टीवी आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस टीवी की लंबाई हम आपको बता दें, 11.5 इंच की ये टीवी है, अच्छी टीवी है, घर में आप कहीं भी लगा भी सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस टीवी को आप आराम से बेड पे लेटे लेटे भी अपने फेवरेट प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में करते हैं अनबॉक्सिंग जबरदस्त तरीके से। इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को स्किप आप मत कीजिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों प्रोटेबल डिजिटल टीवी कुछ इस प्रकार की पैकिंग में आता है और आप लोग इसकी पैकिंग देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे तमाम ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तमाम ऑप्शनों से भी ये टीवी काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका मॉडल नंबर और इसका डिटेल आप लोगों के सामने दिख रहा है और कलर इसका ब्लैक है। तो दोस्तों सिंपली हम यहां से इसे करते हैं ओपन। ओपन करेंगे दोस्तों ऊपर सबसे ऊपर आपको एक फोम मिल जाएगा जो कि इसकी सेफ्टी के लिए होता है। दूर से आपके पास प्रोडक्ट आता है तो सेफ रहता है और इसकी डिस्प्ले भी सेफ रहती है। तो दोस्तों इसे हम करते हैं साइड में। साथ ही साथ दोस्तों आपको सबसे ऊपर आपको टीवी मिल जाती है। तो दोस्तों टीवी को भी इस साइड में रखते हैं और सबसे पहले फटाफट ये देख लेते हैं दोस्तों इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक एडाप्टर मिल जाता है, इस एडाप्टर के जरिए आपको अपनी इस टीवी को चार्ज करना होता है। तो दोस्तों इसे भी साइड में रखते हैं। उसके सारी चीज़ों को दोस्तों निकालने के बाद मैं बॉक्स को साइड में रख लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूजर मैनुअल है जो कि बहुत मोटी किताब है और इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। तो खैर दोस्तों उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एक रिमोट मिल जाता है, प्यारा सा रिमोट मिल जाता है और इस रिमोट की मदद से दोस्तों आप आराम से इसमें टीवी चैनल्स बदल सकते हैं और तमाम तरह की जो सेटिंग्स होती हैं उसे कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक एंटीना मिल जाता है, अगर मान लो कहीं भी सिग्नल वीक होता है तो अगर आपके पास जो चैनल्स नहीं चलते हैं तो इस एंटीने के मदद से आप आराम से देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों ये अडाप्टर है, अडाप्टर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब दोस्तों टीवी को हम यहाँ से ओपन करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम आराम से इसे रख देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी टीवी कुछ इस प्रकार से है, लुक में दिखाई देती है और बेहतरीन टीवी है। साथ ही साथ दोस्तों हमारा एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है जिसमें दोस्तों हम अपने कुछ सब्सक्राइबरों को दे रहे हैं ये वाला फ़ोन जो कि एक फीचर फ़ोन है जिसकी कीमत 1000 रुपये के आसपास में है। एक ज़बरदस्त गिव अवे साहिल फ्रीडिश यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। तो दोस्तों करना क्या होगा, दोस्तों इस वीडियो को आपको लाइक करना होगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद से दोस्तों बेल वाले निशान यानी घंटी वाले निशान पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आइए, नीचे आपको एक कमेंट करना है, नाइस वेरी नाइस, जो भी आप कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो देखने के बाद दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिएगा। इस बेहतरीन टीवी को ऑन करने के लिए यहाँ पे दोस्तों स्विच है, इस स्विच को दोस्तों ऑन करना है। ऑन करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइट जल रही है और ये आ गया है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं HD डिजिटल। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं वो आपको यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाले हैं। दोस्तों इसके साथ में एक एंटीना भी दिया जाता है जो कि दोस्तों अगर आपके पास कोई टीवी चैनल्स नहीं चल रहा है तो दोस्तों इसको आप लगा के आराम से चला सकते हैं। अभी आप हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पर नो सिग्नल दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम हाथ लगाते हैं तो ये चैनल्स चलने लगते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हाथ लगाते हैं तो ये चैनल चलने लगते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंटीना लगाने की जो स्लॉट है ये यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए आप लोग। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमें एंटीना सिंपली, ये जो एंटीना है दोस्तों ये लोहे में चिपक जाता है, इसमें चुंबक है दोस्तों, ये चिपक जाता है। तो दोस्तों हम इसे यहाँ साइड में रखते हैं और यहाँ पर दोस्तों जब लगाएंगे ये चैनल्स ऑन हो जाएगा और ये टीवी चैनल्स चलने लगेंगे, आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ से साइड की जो बटन्स हैं यहाँ से दोस्तों आप जो इसमें है टीवी चैनल्स आप बदल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो ओनली ये चैनल्स पे हैं। उसके बाद से दोस्तों FM गोल्ड आपको मिल जाएगा, AIR लखनऊ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, DD स्पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों DD भारती। अब दोस्तों ये कौन से चैनल हैं और ये किस तरह से चल रहे हैं। दोस्तों ये HD चैनल्स हैं और ये
जो T2 टेक्नोलॉजी वाले जो सेटअप बॉक्स के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, ये T2 टेक्नोलॉजी पे काम करता है टीवी, और यहाँ पे T2 टेक्नोलॉजी पे जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों T2 टेक्नोलॉजी के इसमें हमारे पास इस समय 7 चैनल चल रहे हैं। वहीं पर दोस्तों इसके बगल में बात किया जाए, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों HDMI का पोर्ट लगा सकते हैं आप, HD आप कोई सेटअप बॉक्स अगर आप इसमें लगाना चाहें, देखना चाहें सेटअप बॉक्स की मदद से, तो दोस्तों आप सेटअप बॉक्स की मदद से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आप कंप्यूटर भी अपना कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों यहां पे आप इस बॉक्स या इस टीवी में दोस्तों आप अपना USB भी लगा सकते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ आप यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों, और आराम से ये चलता है दोस्तों, एक बेहतरीन टीवी है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी आपको मिल जाती है, जो कि दोस्तों 10 घंटे बैकअप देती है, 10 घंटे तक आपको यहां पे टीवी प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों यहां पे तमाम सेटिंग्स आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम रिमोट में देख लेते हैं दोस्तों, ये रिमोट है दोस्तों, यहाँ पर रिमोट में दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मेनू बटन यहाँ पर दबाता हूँ, ये IR सेंसर है दोस्तों, यहाँ पर मेनू बटन दबाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं आपको टीवी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों चैनल अगर आपको स्कैन करना है तो आपको कैसे स्कैन करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको ये वाला बटन दबाना होगा रिमोट से, ये वाला, और आप इस साइड में आ जाएंगे, और ऑटो ट्यूनिंग आप करना है तो आप ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास टीवी चैनल्स स्कैनिंग शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं और भी ज़्यादा चैनल्स आएँ तो थोड़ा सा इस एंटीना को आप ऊपर कर दीजिए, आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे पुराने टीवी में होता था वैसे ही है ये भी, लेकिन दोस्तों ये लेटेस्ट है, इसमें फुल HD टीवी चैनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जितने भी TV चैनल्स आपके क्षेत्र में आएंगे, आपके सिटी में आएंगे, वो सारे के सारे TV चैनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जितने भी फ्री टू एयर T2 टेक्नोलॉजी पे चैनल्स होंगे, यानी कि जो पहले वाली एंटीने वाली टेक्नोलॉजी थी उस पे जितने भी चैनल आते थे, वो सारे चैनल आपको यहाँ पर इस TV में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, और स्कैनिंग के कम्प्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे TV चैनल्स। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस TV में कि 8 चैनल स्कैन हुए हैं। DTV पे आपको 6 चैनल मिले हैं, और रेडियो के चैनल्स जो हैं 2 चैनल हमें मिले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों इसे एग्जिट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें जो चैनल्स हैं हमारे पास इतने ही आएंगे मुझे मालूम है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं DD फ्रेडिश चल रहा है, वहीं पर दोस्तों DD UP चल रहा है, और भी बहुत सारे TV चैनल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों सेटिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं LCN टाइप, तो यहाँ मैं इसे ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद से दोस्तों फिर मैं मेनू दबाता हूँ, यहाँ पे लॉक का सिस्टम है, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश है, और तमाम लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों टाइमर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वहीं पर साउंड का ऑप्शन है, वहीं पर दोस्तों आपको पिक्चर्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आवाज़ की बात करें दोस्तों, आवाज़ भी इसका बहुत ही बेहतरीन आवाज़ है यहाँ पर आपको मिलेगा, मैंने अभी 23 पॉइंट किया, यानी बहुत कम पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आवाज़ भी यहाँ पे फर्स्ट क्लास आ रही है, आवाज़ में बंद कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे DD न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फुल HD TV चैनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों अगला ऑप्शन हमारा है कि क्या इसमें सेटअप बॉक्स काम करता है, तो दोस्तों जी हाँ, इसमें सेटअप बॉक्स काम करता है, और फर्स्ट क्लास काम करता है यहाँ पर सेटअप बॉक्स, आप लोग देख सकते हो। और अब हम सेटअप बॉक्स यहाँ पे ऑन करेंगे, लगाएंगे सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये वायर है HDMI का, और मैंने यहाँ पे सप्लाई लगा रखा है अपने इस जो हमारा जो एंड्रॉयड TV बॉक्स है, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैंने ये वायर लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने HDMI का पोर्ट लगा दिया। अब दोस्तों करना क्या होगा हमें, तो हमने अपना जो एंड्रॉयड TV बॉक्स है इससे कनेक्ट कर दिया, लेकिन दोस्तों DD न्यूज़ ही चल रहा है, यानी कि जो ये T2 टेक्नोलॉजी वाला सेटअप है ये हमारा अभी काम कर रहा है, यानी बिना डिस एंटीने की मदद से ये चल रहा है TV, यानी बिना किसी डिस एंटीने से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट का ऑप्शन है, इनपुट के ऑप्शन को ओके करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये है DTV
एटीवी और ये देख सकते हैं डीटीवी है, एटीवी है, एवी है, एचडीएमआई है, यूएसबी है, कार्ड है, यानी कि आप सब तरीके से इसमें देख सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, एफएम रेडियो भी आप इसमें देख सुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनपुट बटन दाबा और उसके बाद से दोस्तों मैं एचडीएमआई के ऑप्शन को ओके करूँगा, HDMI के ऑप्शन को ओके करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सेटअप बॉक्स है का ऑप्शन है ये खुल गया है और हमारा सेटअप बॉक्स अब दोस्तों चालू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये देख सकते हैं आप लोग तमाम मैं फंक्शन मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे सब पूरे फंक्शन काम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप जो इसके फंक्शंस हैं यानी कि जो एंड्रॉयड टी वी भी आप इसमें चला सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसी टी वी में मैं ये सारी चीज़ें निकाल देता हूं। अब मैं इसी में मैं आप लोगों को सेटअप बॉक्स MPEG-4 सेटअप बॉक्स कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों इस बॉक्स के साथ कुछ इस प्रकार की ऑडियो वीडियो केबल भी मिलती है दोस्तों। इसको मैंने शुरू में नहीं दिखा पाया था क्योंकि मैंने इससे पहले खोल के चेक किया था तो हमारे दूसरे टेबल पर ये रह गया था और मेरे ध्यान से भी उतर गया था। तो दोस्तों इस प्रकार की एक केबल भी मिलती है जो कि दोस्तों इस बॉक्स इसमें लगाना होता है। तो दोस्तों लगाने के लिए दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑडियो वीडियो इन का भी ऑप्शन है, आउट का भी ऑप्शन है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑडियो वीडियो आउट, ऑडियो वीडियो इन। तो दोस्तों हमें ऑडियो वीडियो इन पे इसे लगाना है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि मैंने तीन तरीके से अपने इस टीवी को कनेक्ट किया। पहला दोस्तों यह है T2 टेक्नोलॉजी की जो एंटीना है उससे मैंने सेलेक्ट किया है कनेक्ट। उसके बाद से दोस्तों ये मेरा जो है सेटअप बॉक्स है जो कि दोस्तों फ्री टू एयर वाला जो सेटअप बॉक्स होता है उससे मैंने कनेक्ट किया। और तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों HDMI का है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये ATV पे है और अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर DTV पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोग्राम मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। ये तो आपके टीवी में है, टीवी में ही आपके फ्री टू एयर जो चैनल्स हैं वो चलेंगे बिना किसी एंटीने की मदद से, डिस एंटीने की मदद से। अब दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे दोस्तों हम आते हैं AV, तो खैर AV अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए HDMI पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है इसको मैंने HDMI से कनेक्ट कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे रखता हूँ यहाँ साइड में। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मैंने अभी इसका वायर लगाया नहीं था, अब मैंने यहाँ पे ये वायर लगा दिया है। साथ ही साथ दोस्तों ऑडियो भी दे देते हैं और ऑडियो भी मैं आप लोगों को चेक करा दूँगा ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने रिमोट से जो HDMI का रिमोट है मैंने AV मैंने यहाँ पे दबा और AV पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एंटीने का वायर निकला है। ये देखिए आप लोग एंटीने का वायर मैंने लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सभी TV चैनल्स जो मेरा ये सेटअप बॉक्स है इसकी मदद से चल रहे हैं। और उसके बाद से ये देखिए आप लोग, तो दोस्तों एक बेहतरीन ये सेटअप बॉक्स है, TV है, आप इसे खरीद सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है दोस्तों। ये TV बहुत ही बेहतरीन है। ये तो मैंने इसका, ये जो हमारा सेटअप बॉक्स है ये इसका रिमोट है, आप लोग देख सकते हो इसका रिमोट है ये। और बाकी दोस्तों ये जो रिमोट है हमारा, ये जो रिमोट है दोस्तों ये TV का है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए आप लोग देख सकते हैं TV, ये हमारा DTV पे चल रहा है, ATV पे चल रहा है। और ये देखिए दोस्तों DTV पे ठीक है, ATV पे DTV पे आपको ये चीज़ मिलता है जो कि इस सेटअप बॉक्स के ही जरिए चलता है। HDMI के थ्रू दोस्तों ये हमारा एंड्रॉयड TV बॉक्स कनेक्ट है दोस्तों। इसमें गेमिंग भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों ये जो है हमारा ऑडियो वीडियो पे हो गया दोस्तों। इसमें आप बहुत सारी जो डिवाइसें हैं उनको लगा के आप आराम से देख सकते हो दोस्तों। जैसे कि मान लो कि आप USB लगाना चाहते हो तो USB भी आप पेन ड्राइव की मदद से आप लगा सकते हो कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने लगाया है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ। अब दोस्तों बाकी हमारा ये TV मैं इस सब चीज़ों को साइड में रख देता हूँ। अब मेरा जो TV है सिर्फ एंटीने से कनेक्ट है। अब एंटीने से कनेक्ट है दोस्तों तो हम ये एंटीना मैं इधर रख देता हूँ, ये एंटीने से कनेक्ट है दोस्तों तो अब मैं
इसको मैं डीटीवी पे लगा देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं डीटीवी पे मेरा लग गया है और चल रहा है बिना किसी मदद के। साथ ही साथ दोस्तों आप एक छोटा सा तार भी लगा के इसको चला सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एंटीने वाला लगा निकाल दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि कोई टीवी चैनल्स आपको नहीं दिखेगा, यानी है ये कभी कभार चैनल आ जाएगा कभी कभार चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अगर मान लो चैनल नहीं आ रहा है और कभी कभार आ जाता है इधर उधर करने से, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक वायर लगा देना है, छोटा सा वायर लगा देंगे तो भी आपका ये चलेगा फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हो वायर मैंने लगा दिया है यहाँ पे और ये चल रहा है फर्स्ट क्लास में बिना किसी एंटीने की मदद से। दोस्तों इसमें जो बैटरी है वो 10 घंटा बैकअप देती है, 10 घंटे तक आपकी बैटरी चलेगी बिना किसी रोक टोक के, मस्ती में चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब इसे ख़रीदेंगे कैसे आप, दोस्तों इसके लिए मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और बहुत ही सस्ते में आएगी, लिंक पर आप क्लिक करें और चेक करें, बैंगुल वेबसाइट की है दोस्तों और वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। एक बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं और या तो दोस्तों आपके वहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये बेहतरीन ऑप्शन है और बेहतरीन ये टीवी आपको मिल जाएगी। कम से कम दोस्तों आपके शहर में चलने वाले जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो सभी आपको फ्री टू एयर मिलने वाले हैं इस टीवी के ज़रिए। और इस टीवी में दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको मैं क्लिप के रूप में इस वीडियो में आगे लगा दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ऊपर से आप बड़ी वाली मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।